हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानेन्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है अध्याय 4 का श्लोक संख्या 37। श्लोक इस प्रकार है। यथै धांसि समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। यथा मतलब जिस प्रकार से एधांसी ईंधन को समिद्ध चलती हुई अग्नि अग्नि भस्म सात राख कर देती है, कुरुते कर देती है, अर्जुन हे अर्जुन ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि सभी प्रकार के भौतिक कर्मों के फलों को भस्मसात भस्म कर देती है, राख कर देती है, कुरुते करती है तथा उसी प्रकार। बहुत अच्छी बात यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जितनी भी लकड़ियाँ उसमें डालो सब भस्म हो जाती है ना, आप सबने देखा होगा। उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। भौतिक कर्मों के समस्त फल को कौन जलाता है? ज्ञान रूपी अग्नि। वो ज्ञान कहाँ से आता है? कृष्ण भावना भावित होने के बाद आता है, कृष्ण को समर्पण करने के बाद आता है। तो ये जो कृष्ण को समर्पण करना है ये मुख्य बात है, हमें हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है। आइए तात्पर्य में इस श्लोक को अच्छी तरह और समझते हैं। परपर्ट वाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान कंप्लीट नॉलेज तथा उनके संबंध की तुलना यहां अग्नि से की गई। अग्नि भगवान कहते हैं ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु क्या करती है कि पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। सबको जल जाता है उसमें, पाप के फल भी और पुण्य के फल भी। कर्म फल की तीन अवस्थाएं हैं, जो कर्म के फल होते हैं ना उनकी तीन अवस्थाएं। एक तो शुभारंभ होता है, एक बीज होता है, एक संचित होता है। इनको हम विस्तार से अभी समझेंगे कि शुभारंभ क्या है, बीज क्या है और संचित क्या है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर, मतलब भगवान के सही स्वरूप का ज्ञान होने पर और अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो, मतलब पूर्व काल में हो, भूतकाल का हो, वर्तमान काल का हो या भविष्य काल का हो, सब कुछ भस्म हो जाता है। वेदों के अनुसार ये कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, उभे उहे वैश्य यते तरत्य मृतः साध्वा साधुनी। मतलब मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। मतलब जब वो कृष्ण भावना भावित हो गया, कृष्ण उसके पाले में आ गए, कृष्ण उसके संगी हो गए, साथी हो गए, तो सारे संघर्ष वो जीत ही लेगा ना, सारे युद्ध जीत लेगा। वही बात यहाँ पर की गई है। कर्म फलों की जो युद्ध हो रहा है, कर्म के फलों के साथ जो युद्ध हो रहा है, पापों के साथ जो युद्ध हो रहा है, उसको जीत लेता है वो जीव। कैसे? यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना। पीछे के श्लोक में जब हमने 36 नंबर का श्लोक पढ़ा था उसमें भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका में सवार हो जाओ, मेरा कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसके नौका में सवार हो जाओ और फिर इस दुखों के समुद्र से तुम पार हो सकते हो। लेकिन उससे ये प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है ना, हम तो पार कर गए लेकिन पापों का समुद्र तो बाकी रह गया, फिर उसका क्या होगा? अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं समझाने के लिए, हमें सबको समझाते हैं वो, हालांकि वो भी रहता नहीं है, पापों का समुद्र रहता नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में इसको और स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि जैसे जलती हुई अग्नि सभी प्रकार की लकड़ी, चाहे उसमें चंदन की लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो, बबूल की लकड़ी हो, कोई सी भी लकड़ी हो, सभी प्रकार के ईंधन को जलाकर राख कर देती है। कोई सी प्रकार की अग्नि डाल दो, उसमें लकड़ी डाल दो आप, उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। और अग्नि किसी में भेदभाव नहीं करती, जो भी लकड़ी होगी सब जल जाएगी, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। तो जब वो पाप नहीं रहते तो वो पाप जहां फ्लोट हो रहे हैं वो सागर कहां से रहेगा? वो सागर भी समाप्त हो जाता है, सूख जाता है उस अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में।
समझ रहे हैं ना। अभी ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि, अभी वो ज्ञान की अग्नि की जो हम बात कर रहे हैं इसको और समझते हैं। भस्म सात कुरुते तथा, जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, लकड़ी को भस्म कर देती है, ऐसे ही विष्णु तत्व का ज्ञान जब होता है ना, जब हम प्राप्त होता है तो उसकी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है मतलब सब जल के राख हो जाती है, समाप्त हो जाती है उसमें, फिर अग्नि में काष्ठ होती ही नहीं, लकड़ी होती ही नहीं है। ऐसे ही तत्व ज्ञान आ जाने पर कर्मों का अंत हो जाता है, फिर कर्म कहीं रहते ही नहीं है, समाप्त, सफाया एकदम। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर हम निष्काम कर्म करते हैं, संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत क्या होता है, भगवान की सत्ता का अनुभव होता है। यही तो चाहिए, भगवान की सत्ता का अनुभव होना चाहिए, यही मुख्य बात है, भगवान की सत्ता। तो ये दृष्टांत बहुत ही सुपरिचित है, सब लोग जानते हैं इसके लिए और बहुत उपयुक्त है यहाँ पर। ईंधन की लकड़ियों का आकार, प्रकार, रंग, रूप, साइज कुछ भी हो, जब उनको अग्नि में डाल दिया गया है तो उनका परिणाम क्या होगा, राख। और उस राख के ढेर से हम विभिन्न लकड़ियों के राख को अलग अलग नहीं कर सकते, ये नीम की लकड़ी की राख है, ये पीपल की लकड़ी की राख है, ये चंदन की लकड़ी की राख है, नहीं, राख तो राख है सब। इसी तरह से कोई भी कर्म क्यों ना हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, किसी भी तरीके का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, ये 2025 के हैं, ये 2022 के हैं, ये 2019 के हैं, ऐसा नहीं है। ये हमने फॉरेन में किए थे, ये हमने भारत में किए थे, ये हमने भारत के गांव में किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहीं भी किया हो। आपको ज्ञान की अग्नि हो गई तो सारे पाप और पुण्य जो कुछ है सब समाप्त हो गए, फिर आप तो दिव्य स्तर पर आ गए ना, आप डिवाइन स्टेज में आ गए। तो उनका जो पूर्व का कार्य कारण रूप है वो सब नष्ट हो जाता है, वो कार्य क्यों हुआ था, क्या कारण था, सब नष्ट हो जाता है। और कर्म फल प्रदान करते हैं, लेकिन परंतु सभी कर्म एक साथ ही फलदायी नहीं हो सकते, कुछ कर्म अभी फल देते हैं, कुछ कर्म बाद में फल देते हैं, कुछ कर्म और भविष्य में फल देते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, कर्मों को करने की उसकी प्रवृत्ति है और उसे कर्म करने भी हैं, इसीलिए उसे अनेक प्रकार के शरीर भी धारण करने पड़ते हैं, 84 लाख योनियों का जो विवरण दिया गया है। इन कर्मों का फल उपभोग भी आवश्यक होता है, लेकिन भगवान का समर्पण हो जाने के बाद ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। शास्त्रों में इन कर्मों का वर्गीकरण तीन रूपों में किया गया, जो अभी हमने बात की थी ना, प्रारब्ध, संचित है? तो संचित या अर्जित किए गए कर्म वो हैं जो अभी फलित नहीं हुए, फलदायी नहीं हुए, मतलब हो गए लेकिन उन पर फल नहीं आए, उनके कर्म फल नहीं मिले हमें अभी। प्रारब्ध वो हैं जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिया, इसीलिए हम कहते हैं आपका प्रारब्ध खराब है, मतलब आपके कर्मों का फल आपको मिलने लगा है, समझिए इस बात को। संचित वो हैं जो अभी फल नहीं दे रहे हैं, इकट्ठे हो गए, और प्रारब्ध वो हैं जिन्होंने फल देना आरंभ कर दिया है, और आगामी वो हैं जिन कर्मों का फल अभी भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मों की श्रेणियां हैं। इस श्लोक में सब कर्मों से तात्पर्य संचित और आगामी कर्मों से है। ये जो कर्म है, तीन प्रकार के कर्म, इस श्लोक में जो सभी कर्म की बात की गई है वो सभी कर्म कौन से हैं, संचित, आगामी और जो प्रारब्ध है, तीनों प्रकार के कर्मों से मंतव्य है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, हमें कौन से कर्म करने हैं, क्योंकि हमारे कर्मों पर ही सब कुछ आधारित है। तो इसलिए कभी भी पाप मत करिए, क्या करना है, हमेशा धर्म का अनुसरण करना है और भगवान की भक्ति करनी है। प्रहलाद महाराज ने जो नवधा भक्ति कहा है ना, नवधा भक्ति करनी है, नवधा भक्ति करेंगे तो समझ लीजिए हम भगवान के नाव में सवार हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.